गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर मैं आज आपके सामने जीसीपी का लेक्चर नंबर 25 लेके, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीपीसी नेटवर्क। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ही नहीं इंटरव्यू में भी इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही बुनियादी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी क्लाउड का। मैं ऑलरेडी AWS की पूरी सीरीज बना चुका हूं, वहां पर भी ये वीपीसी हमने डिस्कस किया था। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर इसको वर्चुअल नेटवर्क कहा जाता है, वहां पर भी इसको डिस्कस किया था, और आज यहां गूगल क्लाउड में भी डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, बुनियादी तौर पे एक ही तरीके का होता है। अगर आपने AWS पढ़ा है तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहां कुछ चीजें बिल्कुल अलग है, बिल्कुल खास है, जो हमने डिस्कस करनी है। और फिर भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, यानी आपको मेरे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली जीसीपी को फॉलो कर रहे हैं, इस सीरीज को पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है, और इसे देखने के बाद आपका एक छोटे से छोटा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। पहले मैं बोर्ड पर समझाऊंगा, समझाने के बाद सारी थ्योरी, वो सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा जिनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आने वाला है या आपके एग्जाम में सवाल आने वाला है। उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारी दिलचस्प लैब में लेकर आऊंगा, ताकि कोई भी चीज मिसिंग ना हो आपके लिए, और आप आराम से जीसीपी पर हैंड्स ऑन कर सकें, कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, और आप भी कह सके कि हाँ भाई, हमने टेक्निकल गुफ्तगू से पढ़ाई करी है। तो यहां पर गाइज आपको बिल्कुल, मैं आई विल ट्राई, मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको बिल्कुल ऐसा फील कराऊं कि आप लाइव ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, और आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि यार ये चीज मिसिंग है, ये डाउट रह गया। कोई डाउट नहीं रहेगा, ट्रस्ट में, ठीक है। तो कहते हैं ना, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एज यूजुअल, जब तक भूपेंद्र राजपूत जिंदा है आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्लाउड का मास्टर बना के रहूंगा। चलिए, अच्छी बात है। तो यहां पे कंप्लीट थ्योरी ऑफ वीपीसी नेटवर्क की हम बात कर लेते हैं। देखिए, वीपीसी नेटवर्क क्या है, तो ये एक काइंड ऑफ सर्विस ही है, ये एक सर्विस ही है, लेकिन यहां ये थोड़ी अलग है। गूगल के अंदर ये थोड़ी अलग है। यहां अगर हम इसके वीपीसी नेटवर्क की बात करें, वीपीसी की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यहां पे गूगल में ये तो इसको या तो ये वीपीसी नेटवर्क कहते हैं, या फिर ये इसको नेटवर्क नाम से बोलते हैं। गूगल के अंदर ये जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो नेटवर्क करते हैं, और नेटवर्क के अंदर ये इसको वीपीसी नेटवर्क कहते हैं। कहीं पर भी आपको ये इसे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कहते हुए सुनाई नहीं देंगे। जनरली ये इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसके एब्रीविएशन के साथ कहते हैं वीपीसी नेटवर्क, हालांकि होती है वही चीज है। एज्योर के अंदर इसी को हम वर्चुअल नेटवर्क कहते हैं। अगर आप एज्योर की बात करेंगे तो वहां इसी चीज को वर्चुअल नेटवर्क कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, या ये किसी क्लाउड की बात हो रही है? नहीं, ये एक नेटवर्क की बात हो रही है। अब आप कहेंगे, सर नेटवर्क क्या होता है? यार आपने, मुझे याद है जब आप 10वीं 12वीं में रहे होंगे तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, लैन मैन वैन, पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी? इसको कहते थे लोकल एरिया नेटवर्क, कहते थे कि नहीं कहते थे? लोकल एरिया नेटवर्क। और इसको कहते थे वाइड एरिया नेटवर्क, नीचे बीच वाले की मैं बात नहीं कर रहा, उसकी हमें जरूरत नहीं है, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना? ये दो चीजें यहां पे आपको याद आ रही होंगी। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता था? एक ऐसा नेटवर्क जो हमारा लोकल ही कनेक्टेड है, प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। बात समझ आ रही है? अगर एक बिल्डिंग के अंदर, एक कमरे के अंदर मेरे पास पीसी लगे हुए हैं, ये एक पीसी है, कंप्यूटर है, मतलब ये एक दूसरा कंप्यूटर है, ये एक तीसरा कंप्यूटर है, ये एक चौथा कंप्यूटर है, और अगर ये चारों एक दूसरे से बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी, विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी, ये इनकी आईपी है। अगर किसी को आईपी नहीं आती तो मेरी वीडियो में देख लीजिएगा, सीसीएनए की प्लेलिस्ट में, उसको समझ आ जाएगा। तो ये प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऐसे को इस सिनेरियो को क्या कहेंगे? नेटवर्क। और ये कैसा नेटवर्क है? कंप्यूटर नेटवर्क भाई, क्योंकि कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। अगर ये कंप्यूटर की जगह इंसान कनेक्ट हो जाए तो क्या कहलाएगा? ह्यूमन नेटवर्क, इंसानों का नेटवर्क, है ना? तो नेटवर्क किसी भी चीज का हो सकता है, इंसानों का भी हो सकता है, मोबाइल नेटवर्क भी हो सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क भी हो सकता है, किसी भी चीज का नेटवर्क हो सकता है। तो यहां पे हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर यही नेटवर्क या इसी तरीके की कनेक्टिविटी आपके मशीनों को मिल जाए, वो प्राइवेट आईपी के थ्रू बात कर सके एक दूसरे के साथ, तो उसे क्लाउड में क्या कहा जाता है? वीपीसी नेटवर्क, या फिर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वीपीसी नेटवर्क बेसिकली इसे हम कहते हैं, या वर्चुअल नेटवर्क, सबसे आसान भाषा में वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल क्यों? क्योंकि असली में नहीं है, असली में हमें कोई तार नहीं लगानी पड़ रही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, सब कुछ लगा हुआ है बैकएंड पे, हमें तो जस्ट काम करना है, तो हम वर्चुअली कर पा रहे हैं। ये कुछ ऐसा, आप इसको आसान भाषा में समझें कि जैसे कि मैं अगर आपको असलियत में पढ़ा रहा होता, आप मेरे सामने बैठे होते, मैं आपके सामने होता, एक ही क्लास
क्लासरूम में हम सब अवेलेबल होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लासरूम कहते या क्लास कहते, है ना, जहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं पर मैं आपको देख नहीं सकता कि आप कौन कौन बैठे हैं, आप मुझे टच नहीं कर सकते, है ना, मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता शैतानी करने पे, ऐसे में। लेकिन बात वही हो रही है, आप मुझे पढ़ पा रहे हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरे बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो इस क्लास को हम क्या कहेंगे, वर्चुअल क्लास। एक ऐसी क्लास जो आउटपुट तो सेम दे रही है, काम तो सेम हो रहा है, लेकिन तरीका अलग है करने का। तो बात को समझिए, ये मेरा नेटवर्क है और यही नेटवर्क अगर मुझे सेम ऐसा ही क्लाउड पे मिल जाए, जहां पे आउटपुट तो वैसा ही मिले कि आपस में मशीनें बात कर पा रही है, पर मुझे इन तारों को जोड़ना नहीं पड़ रहा, मुझे कुछ कनेक्टिविटी नहीं करनी पड़ रही, मुझे कोई पोर्ट वोट का सेटअप नहीं करना पड़ रहा, तो ऐसे को मैं क्या कहूंगा, वर्चुअल नेटवर्क या फिर वीपीसी नेटवर्क। ये सिंपल सी बात है, आपने याद रखनी है। अभी मैं और इसकी डिटेल में जाऊंगा, एक बुनियाद आपकी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लोकल एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं, जहां पे प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं, जहां पे पब्लिक आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। ये बुनियादी फर्क होता है लैन और वैन में, याद रखिएगा। लैन के अंदर हमेशा प्राइवेट आईपी का इस्तेमाल किया जाता है और वैन के अंदर जो भी पैकेट जा रहा होगा, जो भी नेटवर्क में जा रहा होगा या बात हो रही होगी, वो पब्लिक आईपी के थ्रू हो रही होगी, ये बात याद रखिएगा। कहने का मतलब, अगर एक ही कमरे के अंदर ये चार पीसी लगे हैं लेकिन ये लोकली बात नहीं कर रहे, ये कैसे बात कर रहे हैं, ये फेसबुक पे बंदे ने लॉगिन करके बैठा हुआ है, यहाँ पे दूसरा बंदा फेसबुक पे लॉगिन करके बैठा हुआ है एक ही क्लास के अंदर, और दोनों आपस में चैट कर रहे हैं, तो ऐसे में बैठे तो एक ही क्लास में, लेकिन बात कैसे हो रही है, पहले उनकी जो भी चैट है या जो बंदा जो मैसेज लिख रहा है, वो मैसेज पहले कहाँ जा रहा है, अमेरिका में या इंडिया में, जहां भी फेसबुक का सर्वर रखा हुआ है वहां पे जा रहा है, और उस सर्वर से फिर वो मैसेज इस बंदे के पास आ रहा है, यानी कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं हो रहा। भले ये आपको बैठे हुए सामने दिख रहे हैं बट कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं हो रहा, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू इसकी रिक्वेस्ट पहले फेसबुक के सर्वर पे जा रही है और फेसबुक का सर्वर फिर उसके अकाउंट पर उस मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है। दैट इज वैन, वो पब्लिक आईपी के थ्रू वो काम होता है। तो एक कमरे के अंदर लैन भी हो सकता है, एक कमरे के अंदर वैन भी हो सकता है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें, या हिंदुस्तान के जितने कॉलेजों में पढ़ाया जाता है या बाकी कंट्रीज में भी पढ़ाया जाता है कि एक लैन जो है वो सिर्फ 500 मीटर का हो सकता है, 1 किलोमीटर का हो सकता है, एक बिल्डिंग के नेटवर्क को लैन कहते हैं, ये सब फजूल की बातें हैं। आपने बस सिंपल बात याद रखनी है कि लैन जो होता है वो प्राइवेट आईपी पे कम्युनिकेट करता है, वैन जो होता है वो पब्लिक आईपी पे कम्युनिकेट करता है। बस इस बुनियादी बात को याद रखिएगा, बाकी सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक बुनियादी बात बतानी थी, अब मैं इससे आगे का आपको बताता हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि वीपीसी नेटवर्क जो है वो किस तरीके से काम करता है या उसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि वीपीसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी क्लाउड की जो बुनियाद है आपकी वो मजबूत होगी। तो आई विल ट्राई कि आज के इस लेक्चर से वो बुनियाद आपकी मजबूत हो जाए। तो देखें जरा, वीपीसी बनाने के लिए काम करते हैं, मैं यहां पे एक ऑफिस बना लेता हूं, ये हेड ऑफिस है टेक्निकल गुफ्तगू का, ठीक है, ये टेक्निकल गुफ्तगू का हेड ऑफिस है। अरे कहां पे है, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, राइट। तो ये टेक्निकल गुफ्तगू का हेड ऑफिस है। अब इस हेड ऑफिस से मतलब क्या है, इस हेड ऑफिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, है तो टेक्निकल गुफ्तगू लेकिन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मंजिलें बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एक बिल्डिंग हमारे पास बनी हुई है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं टेक्निकल गुफ्तगू बहुत बड़ी कंपनी है, 1000 एम्प्लॉय 2000 एम्प्लॉय इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, सोचने में क्या जाता है, सोच तो अच्छा सकते हैं ना, भले ही कोई बात नहीं हमारे पास नहीं है इतनी बड़ी कंपनी, पर दिल तो हमारा बड़ा है, चले अच्छी बात है। तो यहाँ पे टेक्निकल गुफ्तगू दिल्ली जो है, यहाँ पे हमारी कंपनी जो है 1000 5000 बंदे हमारे काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो ये पहला डिपार्टमेंट है मेरे पास जो है फिनेंस का, ये फिनेंस का डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग है एक पूरी की पूरी, ठीक है ना, तो इसको आप बिल्डिंग बना दें, ये एक पूरी बिल्डिंग है, ठीक है। ऐसे यहां पे ये एक बिल्डिंग है मेरे पास, ये मेरा जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है मेरा सपोज करें डेवलपर्स का, मेरे जितने भी इंजीनियर हैं वो यहां बैठते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास एक और डिपार्टमेंट है जो कि मेरा एचआर डिपार्टमेंट है, ये मेरा एचआर डिपार्टमेंट है जो यहां पे बैठा हुआ है। ऐसी एक और बिल्डिंग है और यहां बैठते हैं जी मालिक लोग, मैनेजमेंट, चलिए अच्छी बात है, मैं तो मुलाजिम हूँ जी, मैं खुद टेक्निकल गुफ्तगू का मुलाजिम हूँ, ठीक है, मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक आप हैं, ठीक है। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी टेक्निकल गुफ्तगू आगे जाएगा, तो मालिक तो आप ही हैं, मैं नहीं हूँ, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखे चार डिपार्टमेंट मैंने बना दिया। अब ये मंजिलें हैं,
ये ना इनमें फ्लोर बने हुए हैं, जैसे बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, फ्लोर्स जो होते हैं, मंजिल जिसे आप कहते हैं, वो है। तो अब ये मेरे पास चार डिपार्टमेंट है टेक्निकल गुफ्तगू के अंदर। अब आप एक बात बताएं कि एचआर डिपार्टमेंट के अंदर सपोज करें 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो डेली उन्होंने इसी ऑफिस में जाना है, इसी ऑफिस से आना भी है, उनकी अटेंडेंस भी इसी ऑफिस के अंदर लगेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है हमारी, तो वो दूसरी बिल्डिंगों में नहीं जाएगा। जो एम्प्लॉय जिस बिल्डिंग में काम करता है वो डेली उसी बिल्डिंग में जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये इस बिल्डिंग में जा रहा है, इस बिल्डिंग में जाकर डेली अटेंडेंस भी लगा रहा है, काम भी कर रहा है, वापस भी आ रहा है। ऐसे मैनेजमेंट वाले लोग इसमें जा रहे हैं, फाइनेंस वाले लोग इसमें जा रहे हैं, और डेवलपर जो है वो अपनी बिल्डिंग में जाकर डेली काम करते हैं। ये चार डिपार्टमेंट है जो काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर दो लोग काम करते हैं, एक का नाम है अजय और एक का नाम है विजय, ठीक है। अजय और विजय दोनों काम करते हैं। अब ये जो अजय और विजय है ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट के हैं, तो अजय ने अगर विजय से बात करनी है वो कर सकता है। अजय कहता है यार विजय कल मैं नहीं आऊंगा, कल तू मेरा काम संभाल लियो। कहता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये काम ये एक दूसरे का हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में बैठ रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये एक दूसरे से जाके बात कर सकते हैं, इनको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। मेरी कहानी पर ध्यान दीजिएगा, इनको आपस में बात करने के लिए किसी स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है, या इन्हें किसी की रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है कि मुझे फलाने बंदे से बात करा दो, क्योंकि दोनों एक ही डिपार्टमेंट के बंदे हैं, आपस में बात कर सकते हैं। अब इन्होंने डेवलपर वाले डिपार्टमेंट में जाना है, एचआर को, सपोज एचआर है, एचआर हमारी बड़ी खूबसूरत सी है, नाम है कटरीना कैफ, तो कटरीना कैफ जो है वो हमारी एचआर है, तो कटरीना कैफ डेवलपर डिपार्टमेंट में जा रही है, तो क्या उसे कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा भाई, वो एचआर है, पूरी कंपनी की एचआर है, तो डेवलपर उसने हायर करे हैं, तो वहां की भी जो टीम है, जो लोग हैं, वो ऑफकोर्स उसे जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, तो वो उसे जानते होंगे, तो वो कहेगी कि ठीक है वो वहां जा सकती है। डेवलपर ने फाइनेंस में आना है किसी काम से, डेवलपर भी आ सकता है, क्योंकि सारे एम्प्लॉय का एक आईडी कार्ड होता है, बात को समझिए, सारे एम्प्लॉय का एक आईडी कार्ड होगा, आईडी कार्ड पे क्या लिखा होगा, टेक्निकल गुफ्तगू लिखा होगा, उसका डिपार्टमेंट लिखा होगा, एचआर, फाइनेंस या जो भी है, और वो आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने किसी बंदे से बात करनी है, इनका एक क्लाइंट है, और वो क्लाइंट है यहां पे, और उसका नाम है सपोज करें गूगल कंपनी जो है उसके साथ बात करनी है, गूगल इंक है ना, तो यहां इनके साथ बात करनी है, तो गूगल की जो टीम बैठी हुई है, जहां भी बैठी है, वो हैदराबाद में बैठी है, बेंगलोर में बैठी है, तो वहां पे जाके इन्होंने बात करनी है। अब ये जो एचआर है कैटरीना कैफ, ये गूगल में जाने लगी तो इसको दरवाजे पे ही सिक्योरिटी गार्ड रोक लेगा, ये कहेगी जी मैं टेक्निकल गुफ्तगू से आई हूं, तो वो कहेगा हम क्या करें टेक्निकल गुफ्तगू से आई हो, है ना, बाहर जाइए, बाहर खड़े होइए, किससे अपॉइंटमेंट लेनी है आपको। अब वो कहेगी जी मेरे को मिलना है फलाने बंदे से मिलना है, वो कहेगा हम ऐसे नहीं मिलने दे सकते, आप फोन करवाइए अंदर से, अगर वो बंदे से आपको मिलना है और वो आपको जानता है वो आपको फोन करेगा, ऐसा ही होता है, नहीं होता है, वो फिर फोन करवाएगी कि अच्छा अंदर एक और बंदा काम करता है, उसका नाम क्या है, विक्की कौशल, तो विक्की कौशल जो है वो गूगल में है ना, तो विक्की कौशल को उसने फोन किया कि भाई मैं जो है मिलने आई हूं तुमसे, है ना, और ये मुझे रोक रहा है बंदा, तो वो कहेगा ठीक है, वो फोन करेगा सिक्योरिटी गार्ड को, बोलेगा इसको आने दो, तो कैटरीना कैफ अंदर चली जाएगी। अब उसके बाद अगली बार जब अगले दिन कैटरीना कैफ आएगी, गार्ड देखेगा अच्छा इससे तो कल मेरी लड़ाई हुई थी, यही है वो लड़की कैटरीना कैफ, ये विक्की से मिलने आई थी, तो अगले दिन जब वो आएगी तो गार्ड कहेगा ठीक है मैडम सर से मिलने जाना है, वो कहेगी हाँ, तो वो फिर उसको जाने देगा, यानी फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बार एक दिक्कत आई, गार्ड ने इसको रोक लिया, रोकने के बाद गार्ड ने परमिशन मांगी कि भाई अंदर जो भी बंदा है उससे पहले पूछवा दो, वो बंदा अगर एग्री करेगा, वो बंदा कहेगा मैं इसे जानता हूं, इसे अंदर आने दो, तो मैं अंदर जाने दूंगा। ये कब होगा, जब आप अपनी कंपनी से बाहर जा रहे हैं, आपकी कंपनी का भी एक दरवाजा होगा, आपकी कंपनी का भी एक मेन गेट होगा, जहां से आप सारे एम्प्लॉय जितने भी हैं वो छुट्टी के टाइम निकल के जाते हैं, और सुबह आते भी इसी रास्ते से हैं, सबका एक एंट्री एग्जिट होता है, ठीक है। ऐसे ही इस एक कंपनी का भी अपना एक मेन गेट होगा, लेकिन हर बिल्डिंग का भी अपना एक दरवाजा होता है उसके अंदर जाने के लिए, यह भी आपको पता है, हर बिल्डिंग के अंदर भी एक दरवाजा होता है कि नहीं होता है। तो यही सारी चीजें हमारे वीपीसी नेटवर्क की बुनियाद को तैयार करेंगे। कैसे, आप समझिए, जब हम एक वीपीसी नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो वीपीसी नेटवर्क का मतलब क्या है, आप जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी नहीं मतलब जीसीई, गूगल कंप्यूट इंजन,
गूगल कुबरनेटिस इंजन, इस तरह की सर्विसेज जितनी भी हैं आपकी, आप जितने भी ये बनाएंगे, जितने भी वर्चुअल मशीन आप बनाएंगे या कुबरनेटिस इंजन बनाएंगे, वो हमेशा आप एक वीपीसी नेटवर्क के अंदर बनाएंगे। अगर आप, मैंने आपको लैब कराई, वर्चुअल मशीन की लैब कराई, वहां पर भी हमारे पास से वीपीसी नेटवर्क होता था, पर वो डिफॉल्ट होता था। क्यों होता था डिफॉल्ट? जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब भी आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं प्रोजेक्ट क्या होता है, तो वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद एक डिफॉल्ट नेटवर्क अपने आप बन जाता है। उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते ही एक डिफॉल्ट नेटवर्क बन जाता है, और उस डिफॉल्ट नेटवर्क के अंदर, समझिएगा बात को, उस डिफॉल्ट नेटवर्क के अंदर आपको हर एक रीजन में एक सबनेट मिलता है। सबनेट मतलब एक छोटा नेटवर्क, सब नेटवर्क, सबनेट कहें या सब नेटवर्क कहें एक ही बात है, आप सबनेट कहें या फिर सब नेटवर्क कहें, तो आपको हर एक रीजन में एक सब नेटवर्क बना हुआ मिलता है। और जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन बनाते हो उस रीजन के अंदर, तो वो बाय डिफॉल्ट इसमें बनती है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या सीखना है कि हमने अपना नेटवर्क बनाना है, अपने सर्वर उस नेटवर्क के अंदर बनाने। बात समझ आ रही है? अब आप कहेंगे सर बात थोड़ी थोड़ी समझ तो आ रही है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो वर्चुअल नेटवर्क है या ये जो वीपीसी नेटवर्क है ये क्या काम करता है, ये भी एक आपका सवाल आ रहा होगा। तो अब थोड़ा सा टेक्निकली चलते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये मेरा एक वीपीसी नेटवर्क है, ये मेरा एक वीपीसी नेटवर्क है, उसका नाम है टेक्निकल गुफ्तगू दिल्ली, ठीक है। मैंने एक नेटवर्क बनाया, जैसे ही मैं एक नेटवर्क बनाऊंगा, देखिए वीपीसी नेटवर्क गूगल क्लाउड के अंदर, सबसे बुनियादी बात जो कोई नहीं बताएगा, याद रखिएगा, ये सारे क्लाउड से अलग है इस मामले में। इनका जो वीपीसी नेटवर्क होता है वो ग्लोबल होता है, ऑलवेज रिमेंबर, इनका वीपीसी नेटवर्क ग्लोबल सर्विस होती है, ना कि रीजनल सर्विस। AWS का जो वीपीसी होता है वो एक रीजनल सर्विस होती है, यानी एक रीजन में ही सिर्फ काम करता है। अगर आपको दूसरा रीजन चाहिए, आपने अमेरिका में बनाया नॉर्थ वर्जीनिया में, और आप मुंबई रीजन में भी एक नेटवर्क बनाना आप चाहते हैं, अपने डिवाइसेस क्रिएट करना, सर्वर क्रिएट करना, तो आपको मुंबई में एक अलग वीपीसी बनाना पड़ेगा, एक अमेरिका में अलग बनाना पड़ेगा, मुंबई में अलग बनाना पड़ेगा, आपको अलग अलग नेटवर्क बनाने पड़ेंगे अलग अलग रीजन्स के अंदर। AWS में ऐसे होता है, ठीक है, AWS में रीजनल सर्विस होती है, इवन एज्योर में भी ये रीजनल सर्विस होती है, अकेला गूगल क्लाउड ऐसा है जिसके अंदर ये ग्लोबल सर्विस होती है। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है रीजनल और ग्लोबल का? देखो इसका क्या मतलब है, मैं आपको ये समझाता हूं। इसका मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझो कि ये जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ये अभी टेक्निकल गुफ्तगू की पूरी कंपनी है, और अब कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है अलग अलग कंट्रीज में। ये वाला जो मेरा डिपार्टमेंट है ये है मेरा USA के अंदर, डेवलपर की टीम मेरी बैठी हुई है UK के अंदर, मैनेजमेंट की टीम मेरी बैठी हुई है इंडिया के अंदर, और HR की टीम मेरी बैठी हुई है सिंगापुर के अंदर। सपोज करें मेरी चारों टीमें अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पे बैठी हुई हैं, पर हैं तो एक ही कंपनी का हिस्सा है ना। AWS के अंदर अगर आपने इन चारों कंपनी के आपके डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं, अलग अलग कंट्री में काम कर रही हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अगर एक सर्वर आपका USA में बना हुआ है और एक सर्वर आपका UK में बना हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग वीपीसी के हिस्से होंगे। AWS की अगर बात करूं, AWS के अंदर USA का सर्वर और वीपीसी, मतलब सेम वीपीसी का हिस्सा नहीं हो सकते, सेम नेटवर्क का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे AWS के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि एक रीजन में एक वीपीसी होता है, वीपीसी जो है एक रीजनल सर्विस है, वो उससे बाहर नहीं हो सकती। तो यहां पे USA के अंदर आपको एक वीपीसी बनाना पड़ेगा VPC 1, आपको UK के अंदर एक वीपीसी बनाना पड़ेगा VPC 2, आपको इंडिया में एक वीपीसी बनाना पड़ेगा VPC 3, और आपको सिंगापुर में एक वीपीसी बनाना पड़ेगा VPC 4, और इनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्टिंग को यहां पर बोलते हैं पियरिंग, इनकी आपस में पियरिंग करानी पड़ेगी। पियरिंग से क्या होगा, जैसे कि यहां पर कटरीना कैफ जब विक्की कौशल से मिलने गई, तो उसने, विक्की कौशल ने फोन करके गार्ड को कहा कि हां मैं इसे जानता हूं, तो गार्ड ने उसको आने दिया। तो इसी को पियरिंग कहते हैं, जब दोनों तरफ से एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा कि ये पर्सन और ये पर्सन एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफर करने के लिए एग्री है और एक दूसरे को जानते हैं, तो उसे पियरिंग कहते हैं। ये दोनों तरफ से एस्टैब्लिश करनी पड़ती है गूगल क्लाउड में, तो यहां पर आपको पियरिंग करनी पड़ेगी। अभी AWS की भी बात करूं तो वहां पर भी पियरिंग करनी पड़ती है, वहां पर पियरिंग अलग अलग रीजन्स में भी करनी पड़ती है, यानी आपने अमेरिका में एक वीपीसी बनाया, एक वीपीसी इंडिया में बनाया, उनको आपस में पियर कराना पड़ेगा, तभी ये जो मशीन है, ये जो ए सर्वर है, ये बी सर्वर के साथ कॉम्युनिकेट कर पाएगा। अगर पियरिंग नहीं कराओगे तो ये वीपीसी इसके साथ कॉम्युनिकेट नहीं कर सकता ऑन प्राइवेट IP, प्राइवेट आईपी के थ्रू मैं बात कर रहा हूं, प्राइवेट आईपी के थ्रू ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पियरिंग करा दी वीपीसी 1 की वीपीसी 3 के साथ, तो ये बी सर्वर जो है ये ए के साथ प्राइवेट आईपी के थ्रू ही बात कर सकता है।
अब आप में से कुछ लोगों का दिमाग खनका होगा, सर आपने गलत लिख दिया, ये पब्लिक होगा, अमेरिका से इंडिया कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है प्राइवेट आईपी के थ्रू, प्राइवेट आईपी तो इंटरनेट पे होती नहीं है, आपने अभी जस्ट कहा, बिल्कुल कहा, लेकिन याद रखिएगा ये जो पूरा नेटवर्क होता है चाहे AWS का चाहे गूगल क्लाउड का, ये समंदर के रास्ते इनकी केबल्स गई होती है हर डेटा सेंटर में, तो ये फिजिकली कनेक्टेड है इनके सारे डेटा सेंटर, यानी वो एक बड़े लेवल का लोकल एरिया नेटवर्क है, आप ऐसे समझो, सारी मशीनें आपस में कनेक्टेड है, तो जब कनेक्टेड है तो वो प्राइवेट आईपी के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, जब दो पीसी के बीच में केबल लगा के लैन केबल लगा के आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो प्राइवेटली, तो जब एक सर्वर अमेरिका में है एक इंडिया में है लेकिन समंदर के रास्ते तारों के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो क्या वो नहीं कर सकते प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर क्लाउड इसीलिए ज्यादा सिक्योर है, इसीलिए क्लाउड को ज्यादा सिक्योर माना गया है, क्योंकि यहां पर आपका जो पूरा कम्युनिकेशन है सर्वर के बीच में वो प्राइवेट आईपी की हेल्प से होता है, उसमें आपको पब्लिक आईपी की जरूरत ही नहीं पड़ती नेटवर्क के अंदर, आपको अपने नेटवर्क में जितने भी सर्वर हैं, आपका अमेरिका में एक सर्वर चल रहा है, एक आपका इंडिया में चल रहा है, एक आपका सिंगापुर में चल रहा है, एक आपका यूके में चल रहा है, चारों सर्वर आपस में जो भी काम करना है कर सकते हैं और उन्हें कहीं पर भी पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है, प्राइवेट आईपी के थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। मैं लैब में लाइव डेमो करके दिखाऊंगा आपको, नो नीड टू वरी, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है लैब जब हम अगले आने वाले लेक्चर्स में करेंगे क्लियर हो जाएगी, और इस वीडियो को दो बार तीन बार देखिएगा, हर बार आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा पहले से, पहली बार में हो सकता है चीजों को थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा हो, बट आई एम ट्राइंग कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझा दूं, अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं, भी और इजी वे में समझाऊंगा और अच्छा एग्जांपल दूंगा, परेशान मत होइए, बट मैं एक्चुअली बहुत सारे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए, किसी भी एक एग्जांपल से आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए। वैसे ये कैटरीना कैफ और विक्की कौशल वाला एग्जांपल याद रखना, अगर टेक्निकल गुफ्तगू और गूगल ये दो अलग आप ऐसा समझे नेटवर्क है, अलग वीपीसी नेटवर्क है, तो एक वीपीसी को दूसरे वीपीसी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए पियरिंग करनी ही पड़ेगी, ये याद रखना, पियरिंग होगी तभी कम्युनिकेशन होगा। अब पियरिंग को आप प्यार भी कह सकते हैं कि भाई अगर कटरीना को विक्की कौशल से प्यार है तभी वो उससे मिलने जाएगी और वो भी उसको कहेगा ठीक है तुम मेरे से मिलने आ जाओ, प्यार ही नहीं होगा तो फिर वो नहीं एक दूसरे से बात करेंगे, तो प्यार होना जरूरी है और प्यार को टेक्निकली पियरिंग कहा जाता है, ठीक है। तो अगर दो लोगों के बीच में प्यार है तो फिर वो कहीं भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फिर चाहे वो अमेरिका में रहता हो वो इंडिया में रहता हो, प्यार तो अंधा होता है, कहीं से भी कहीं हो सकता है, चलिए अच्छी बात है। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे, और मैंने आपको बताया कि जो GCP का वर्चुअल नेटवर्क है वो ग्लोबल होता है। अब इस बात का क्या फर्क पड़ेगा ये समझने की कोशिश करें, अभी जो मैं आपको बता रहा था ये AWS का बता रहा था जहां पे एक VPC इंडिया में बनेगा क्योंकि ये एक रीजनल सर्विस होती है और USA के अंदर एक VPC बनेगा, लेकिन गूगल क्लाउड में ऐसा नहीं है, गूगल क्लाउड में सेम VPC रहेगा, आप यहां पे सेम VPC बनाएंगे और VPC के अंदर आप सबनेट क्रिएट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं इसको क्लियर करके दोबारा समझाता हूं। गूगल क्लाउड के अंदर मैंने एक VPC नेटवर्क क्रिएट किया, अब ये VPC नेटवर्क क्या कहता है कि भाई मैं तो एक ग्लोबल सर्विस हूं, मेरे को आप किसी रीजन विजन में बनाने की आपको जरूरत नहीं है, मैं तो एक खुद में ग्लोबल सर्विस हूं, आप अब जो भी जहां जहां कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं आप वहां सबनेट बना लो। मैंने कहा मैंने एक सबनेट बना लिया सबनेट 1 या सबनेट US, मैं एक सबनेट US बना लूंगा, इसी VPC के अंदर मैं एक और सबनेट बना लूंगा इंडिया के अंदर सबनेट इंडिया, ठीक है, यहां पर एक और सबनेट बना लूंगा सबनेट UK, UK में एक मैंने सबनेट बना लिया और यहां पर भी मैंने एक सबनेट बना लिया सबनेट हांगकांग। तो कहने का मतलब यह है कि गूगल क्लाउड में एक ही VPC के अंदर पूरी दुनिया के सारे रीजन्स आपस में प्राइवेटली कम्युनिकेट कर सकते हैं, पियरिंग वाला झमेला भी नहीं है, यहां पे पियरिंग कब होगी जब VPC ही अलग होगा, अदरवाइज रीजन्स जो है वो एक ही VPC में कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर वो एक VPC का हिस्सा है। आप कहने का मतलब इस VPC के अंदर जो आपने VPC बनाया है आप चार सबनेट बना लीजिए, एक बना लीजिए सबनेट US के नाम से, उसका रीजन सिलेक्ट करिएगा US, वहां पे आएगा ऑप्शन कि ये सबनेट कहां बनाना चाहते हो, आप कहना मैं अमेरिका में बनाना चाहता हूं, फिर वो कहेंगे VPC कौन सा रखना है, यही वाला रखना है, सेम VPC के अंदर आप सबनेट एक US में बना लो, एक UK में बना लो, एक इंडिया में और एक हांगकांग में, अब चारों के अंदर आप सर्वर बना दो, चारों के अंदर आप सर्वर बना दो, एक एक वर्चुअल मशीन आप बना दो, एक एक वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर दो। अब ये वर्चुअल मशीन अगर इसको पिंग करेगी
तो यहां से रिप्लाई जाएगा कि नहीं जाएगा, आप बताएं, आप ही से पूछ रहा हूं। जाना चाहिए ना, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भाई अभी मैंने आपको पढ़ाया कि यहां पर पियरिंग की जरूरत नहीं है, ये ग्लोबल होता है। गूगल क्लाउड के अंदर जो वीपीसी नेटवर्क होता है वो ग्लोबल होता है, और यहां पे इनके जो सबनेट होते हैं ये रीजनल होते हैं। तो इनका सबनेट रीजनल सर्विस है, इनका वीपीसी जो है वो ग्लोबल सर्विस है। तो आप चार सबनेट बना लेना, एक यूएस के अंदर, एक यूके के अंदर, एक इंडिया के अंदर, एक हांगकांग के अंदर। नेटवर्क जो भी आप देना चाहे वो आप दे दीजिएगा। सपोज आपने ये दे दिया, यहां पे आपने ये दे दिया, है ना, यहां पे आपने ये नेटवर्क दे दिया। नेटवर्क आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इस तरीके से आपने चार नेटवर्क दे दिए, चारों में एक एक वर्चुअल मशीन बना दी, तो कोई भी वर्चुअल मशीन किसी दूसरे को पिंग कर सकती है। इस वर्चुअल मशीन का एक प्राइवेट आईपी होगा। फॉर एग्जांपल इस वर्चुअल मशीन का प्राइवेट आईपी ये है, इस वर्चुअल मशीन का प्राइवेट आईपी ये है। तो ये वर्चुअल मशीन जब इसको पिंग करेगी तो मैं इस मशीन के अंदर जाके कमांड चलाऊंगा पिंग 10.0.2.1, इसका आईपी इसको पिंग करवाऊंगा। तो इसको यहां से जैसे ये रिक्वेस्ट भेजेगा यहां से रिप्लाई आएगा, मैं आपको लाइव डेमो में दिखाऊंगा। यानी रिक्वेस्ट अमेरिका से लंदन या कहीं पे भी जा रही है, यूके में जा रही है, और वहां से उसको रिप्लाई आया ऑन प्राइवेट आईपी। मजे की बात देखें, इंटरनेट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, यूएस से यूके में मैसेज जा रहा है और उसका रिप्लाई भी मुझे आ रहा है ऑन प्राइवेट आईपी। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि गूगल क्लाउड कहता है भाई मेरे ये सारे नेटवर्क, मेरी जो पूरी एक नेटवर्क मैंने क्लाउड जो बनाया है उनके जितने भी डेटा सेंटर है वो आपस में कनेक्टेड है, वो सी केबल्स गई हुई हैं, तार समंदर के थ्रू मोटे मोटे तार गए हुए हैं, ऑप्टिकल फाइबर गई हुई हैं, उनके थ्रू मेरे सारे डेटा सेंटर इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए यहां पर अगर आप मेरे डेटा सेंटर में ही कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मेरे गूगल क्लाउड के अंदर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक सर्वर भले ही आपका अमेरिका में चल रहा है और एक यूके में चल रहा है, वो प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर आप मेरे ही क्लाउड पर रहकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर आप गूगल क्लाउड से Azure पे जा रहे हैं उसको पिंग करने की कोशिश करेंगे, या गूगल क्लाउड से AWS पे जा रहे हैं, तो आप फिर उनके नेटवर्क से बाहर आपको जाना पड़ेगा। उस केस में ऑफ कोर्स आपको इंटरनेट पे आना पड़ेगा, लेकिन यहां पे आपको आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सेम नेटवर्क के अंदर हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप सेम नेटवर्क के अंदर है। जब तक आप सेम नेटवर्क में है आपको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। भाई जब तक आप टेक्निकल गुफ्तगू के कैंपस में घूम रहे हैं, उनकी कंपनी के अंदर है, प्रमाइसिस के अंदर है, तो आप किसी भी बिल्डिंग में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई आपको नहीं रोकेगा क्योंकि आपके पास आईडी कार्ड है टेक्निकल गुफ्तगू का। तो अब इसको आप ऐसे समझें कि गूगल क्लाउड का जितना भी बड़ा एनवायरनमेंट है, जितनी भी दुनिया में उनके डेटा सेंटर बने हैं, वो एक कंपनी है, उनका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग कंट्रियों में रखा हुआ है, तो आप उसको ऐसे समझें। तो वहां पे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनको किसी पब्लिक आईपी या इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका खुद का नेटवर्क ऑलरेडी है, आपस में केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो गाइज ये होता है मेरा वीपीसी नेटवर्क, जिसमें मैंने आपको कुछ बुनियादी बातें समझाने की कोशिश करी है। तो सबनेट आपको क्रिएट करने होते हैं। वीपीसी के अंदर दो तरीके हैं गूगल क्लाउड में वीपीसी बनाने के, पहला होता है ऑटो मोड और दूसरा होता है कस्टम मोड। मैं ये भी आपको बता देता हूं, फिर थ्योरी पर भी आऊंगा, सारा कुछ समझा दूंगा। ऑटो मोड एंड कस्टम मोड, यहां पर दो तरीके के वीपीसी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऑटो मोड में जाते हैं तो ये क्या करेगा, जितने भी गूगल क्लाउड के रीजन हैं, 20-25 जितने भी रीजन हैं, हर एक रीजन में एक सबनेट क्रिएट कर देगा, हर एक रीजन में अपने आप सबनेट क्रिएट कर देगा। वो कहेगा अगर आपको नहीं आता है वीपीसी पे काम करना, आप इजी मोड चाहते हो, इसको इजी मोड आप समझो, कि अगर आपको वीपीसी बनाना नहीं आता है, उस पर काम करना नहीं आता है, तो वो कहता है सब कुछ मैं कर दूंगा, आप ऑटो मोड सेलेक्ट कर लो। ऑटो मोड सेलेक्ट करने से क्या होगा, एक वीपीसी बन जाएगा जो भी नाम आप दोगे, और सबनेट अपने आप बन जाएंगे, यानी हर रीजन में एक सबनेट बन जाएगा। मेरे पास सपोज करें 25 रीजन है, तो 25 के 25 रीजन में एक सबनेट क्रिएट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इससे क्या होगा, इस सबनेट क्रिएट होने से, इससे ये होगा कि आप जब भी अपने इस वीपीसी के अंदर वीएम बनाओगे, वो वीएम उस सबनेट में बन जाएगी। सपोज करें ये सबनेट यूएस है, तो आपने यूएस के अंदर कोई वीएम बनानी है तो वो ऑटोमेटिकली ये सबनेट सिलेक्ट हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सबनेट नहीं बनाना पड़ेगा। कस्टम मोड का मतलब है आप खुद से सबनेट डिफाइन करेंगे कि मेरा सबनेट जो है उसकी रेंज ये होनी चाहिए 10.0.1.0, फिर आप खुद से डिफाइन करेंगे कि यूके के अंदर मेरा सबनेट की रेंज ये होनी चाहिए 10.0.2.0। अगर आप अपनी मर्जी से सबनेट क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का नेटवर्क लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं यहां पर ये नहीं मैं चाहता, मैं यहां पर 192.168.0.0 चाहता हूं, तो आप ये ले सकते हैं। तो
आप अपनी मर्जी से अगर कस्टम मोड में जाकर अपनी मर्जी से सबनेट बना सकते हैं, और उतने ही सबनेट बनाएंगे जितने रीजन्स में आपको काम करना है। वहां पे सब में बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका काम सिर्फ यूएस में और यूके में आपको करना है, तो आप दो सबनेट बनाएंगे, एक यूएस के अंदर एक यूके के अंदर। हालांकि बाकियों में भी बना लो, सबनेट के कोई चार्जेस नहीं लगते, वीपीसी बनाने के कोई पैसे नहीं लगते, नो नीड टू वरी, तो यहां पर बना सकते हो, बट जरूरत नहीं है। ऑटो मोड में वो कहता है मैं सब में एक एक बना के दे दूंगा आपको, लेकिन ऑटो मोड के साथ नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर आपने दो वीपीसी बनाए तो वो ऑटो, और दोनों वीपीसी आपने ऑटो मोड से बनाए तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ऑटो मोड में जो ये रेंज लेता है वो हमेशा सेम लेता है, मैं थ्योरी में आपको दिखाऊंगा, तो ये हमेशा सेम सब नेटवर्क में बनाएगा। और कम्युनिकेशन करने के लिए या पियरिंग कराने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों नेटवर्क अलग होने चाहिए। अगर आपने यही नेटवर्क यहां ले रखा है और यही नेटवर्क आपने यूके में ले रखा है 10.0.1.0, तो ये कभी भी आपस में पीयर नहीं हो सकते, कभी भी इनकी पीयरिंग नहीं करा सकते आप। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि दोनों सेम नेटवर्क है, ठीक है? तो ये याद रखिए, प्यार होने के लिए एक का लड़का एक का लड़की होना बेहद जरूरी है। दोनों लड़के हैं तो इम्पॉसिबल है, हालांकि आजकल ये पॉसिबल हो गया है, पर हमारे नेटवर्क में ये अभी भी इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो ये आप ऐसा समझे कि नेटवर्क का अलग होना जरूरी है, सेम नेटवर्क नहीं हो सकता। नेटवर्क कह लें या सब नेटवर्क कह लें, एक ही बात है। सबनेटिंग कर रखी है ना, यहाँ पे मैंने 24 लिखा हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता सबनेटिंग क्या होती है, 24 क्या होता है, ऑलरेडी सीसीएनए में वीडियो डाली हुई है मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में, पढ़ लीजिएगा वहां से, तब इस टॉपिक को पढ़िएगा तभी ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ये मैं बताना भूल गया, याद रखिए इस टॉपिक को करने से पहले जिनको भी सब नेटवर्क पढ़ने में दिक्कत आ रही है अभी, या जिनको भी लग रहा है सर ने ये क्या लिख दिया, ये 10.0.4. क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, मेरे YouTube पर जाइएगा, CCNA की एक प्लेलिस्ट पड़ी है, वहां पर जाकर आईपी एड्रेस की एक वीडियो है और सबनेटिंग की चार वीडियो है, चार पार्ट है, सबनेटिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, चार पार्ट है सबनेटिंग के। ये पांच वीडियो देख लो, मैं गारंटी दे रहा हूं उसके बाद आके इस वीडियो को देखना, आपको 110% ज्यादा समझ आएगा, ठीक है? तो अगर किसी को भी ये आईपी समझने में दिक्कत आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन चैनल पर ही अवेलेबल है, वहां जाके वो वीडियो देख लो पहले, फिर यहां से ये टॉपिक को पढ़ना शुरू करना। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा वर्चुअल नेटवर्क का। आप थोड़ी सी आगे थ्योरी की बात कर लेते हैं, फिर मैं धीरे धीरे जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे मैं डिस्कस करता जाऊंगा। मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स भी लिख दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीपीसी नेटवर्क इज जस्ट लाइक योर फिजिकल नेटवर्क एक्सेप्ट दैट इट इज वर्चुअलाइज्ड विद इन गूगल क्लाउड। तो वही बात जो मैंने आपको बताई थी, जैसे आपका फिजिकल नेटवर्क होता है ऐसे ही ये भी होता है, बट फर्क कितना है, ये गूगल क्लाउड के ऊपर होता है, वर्चुअलाइज फॉर्म में होता है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि दो कंप्यूटर्स का आपस में, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये एक कंप्यूटर है और ये एक कंप्यूटर के साथ फिजिकली कनेक्टेड है, तो क्या सिर्फ फिजिकली कनेक्टेड होना जरूरी है? नहीं, उनका सेम नेटवर्क में होना भी जरूरी है। अगर ये दोनों सेम नेटवर्क के अंदर है तभी ये आपस में डेटा को ट्रांसफर कर पाएंगे, उनका सेम नेटवर्क में होना जरूरी है। हालांकि फिर VLAN और बाकी कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, वो बात की बात है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह याद रखें कि दो पीसी अगर मैं अपने पास रखूं, दो लैपटॉप, और उनको डेटा ट्रांसफर करना है, मेरे पास बहुत सारा GB का डेटा है और मुझे वो ट्रांसफर करना है, तो मुझे दोनों लैपटॉप में जो IP डालनी है वो सेम नेटवर्क की डालनी है, नेटवर्क ID जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया। जिनको नहीं पता नेटवर्क आईडी क्या होता है, अगेन फिर मैं वही बात कहूंगा कि आप जाकर मेरी वो CCNA की प्लेलिस्ट पढ़े। तो ये आपको समझ आ गया। तो इन्होंने कहा है वीपीसी नेटवर्क इज जस्ट लाइक योर फिजिकल नेटवर्क एक्सेप्ट दैट इट इज वर्चुअलाइज्ड विद इन गूगल क्लाउड। अब वीपीसी नेटवर्क इज अ ग्लोबल रिसोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गूगल का जो वीपीसी नेटवर्क होता है वो ग्लोबल सर्विस होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ रीजनल वर्चुअल सब नेटवर्क्स, जिसके अंदर सबनेट होते हैं और वो रीजनल होते हैं। यानी आप एक अमेरिका का सबनेट बना सकते हो, एक एशिया का बना सकते हो, हांगकांग का, यूके का, अफ्रीका का, सारे सबनेट एक वीपीसी के अंदर हो सकते हैं, एक वीपीसी के अंदर अलग अलग कंट्रीज के सबनेट हो सकते हैं। गूगल क्लाउड में ये पॉसिबल है, और किसी क्लाउड में पॉसिबल नहीं है। तो ये भी आप याद रखिएगा, रीजनल वर्चुअल सबनेटवर्क्स इन डेटा सेंटर ऑल कनेक्टेड बाय अ ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क।
तो ये ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क कौन प्रोवाइड करा रहा है? गूगल प्रोवाइड करा रहा है समंदर के रास्ते जो ऑप्टिकल फाइबर्स जा रही हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब वीपीसी नेटवर्क से हमें क्या क्या मिलता है या क्या फायदा मिलता है? देखो, आप जितनी भी कनेक्टिविटी करते हो, आप जो वीएम बना रहे हो, आप एक वीएम बना रहे हो, दो वीएम बना रहे हो, चार वीएम बना रहे हो, और वो आपस में प्राइवेट आईपी के थ्रू अगर कम्युनिकेट कर रही है, तो वो सिर्फ इसलिए कम्युनिकेट कर पा रही है क्योंकि वो सेम वीपीसी के अंदर बनी हुई है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर सेम वीपीसी के अंदर आपने दो वीएम बनाई है, भले ही वो अलग अलग कंट्री में बनी आई बनी हो, एक यूएस में बनी हो, एक यूके में बनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, सेम वीपीसी है, तो सेम वीपीसी है तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं प्राइवेट आईपी के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाई? वीपीसी के थ्रू हो पाई। तो ये कहते हैं प्रोवाइड कनेक्टिविटी फॉर योर वर्चुअल मशीन इंक्लूडिंग गूगल कुबरनेटिस इंजन एंड ऐप इंजन, क्योंकि ऐप इंजन भी बैकएंड पे वर्चुअल मशीन पे ही चलती है। तो ये कहते हैं इन सब के लिए जो कनेक्टिविटी है आपस में वर्चुअल मशीन्स को या क्लस्टर को कम्युनिकेट करने के लिए जो चाहिए, वो नेटवर्क कौन प्रोवाइड कराता है? ये वीपीसी का नेटवर्क होता है। एक्चुअल में ये वो नेटवर्क होता है जिसमें आपकी वर्चुअल मशीन्स आपस में बात करती हैं। एक नेटवर्क तो जरूरी है ना बात करने के लिए। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं चार कंप्यूटर आपस में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो सिर्फ उनके पास आईपी होना जरूरी नहीं है कि उन चार कंप्यूटर के पास या इन दो कंप्यूटर के पास आईपी है तो ये बात कर सकते हैं। नहीं, आईपी तो ये भी है एक, फॉर एग्जांपल, और आईपी एक ये भी है 190. ये वाली, तो क्या ये आपस में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दोनों के नेटवर्क अलग है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, सेम नेटवर्क होना जरूरी है तब वो आपस में बात कर पाएंगे। तो इसीलिए वीपीसी नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सेम नेटवर्क में, सेम वीपीसी नेटवर्क में आपने अपने सर्वर बनाए हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं प्राइवेट आईपी के थ्रू, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ऑफर्स नेटिव इंटरनल टीसीपी यूडीपी लोड बैलेंसिंग, ये कहते हैं आपस में भी जितने भी ये वीपीसी नेटवर्क है इसके अंदर इंटरनल लोड बैलेंसिंग की हो रखी होती है टीसीपी और यूडीपी बेस, ताकि आपका जो ट्रांसफर है, डेटा ट्रांसफर है या आपको इंटरनल लोड बैलेंसिंग करानी है, वो भी पॉसिबल है विद इन अ वीपीसी। अगर आप लोड बैलेंसिंग कराना चाहते हो अपनी वर्चुअल मशीन में, आपके पास 50 वर्चुअल मशीन चल रही हैं एक वीपीसी के अंदर और आप चाहते हो सब पर इक्वल ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर मतलब इक्वल रिक्वेस्ट जाए, तो वो आप कर सकते हो बिकॉज वहां पर लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन होता है, इंटरनल लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन होता है। कनेक्टर्स, और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा लोड बैलेंसिंग क्या होता है तो नो नीड टू वरी, क्योंकि ये पूरा टॉपिक आएगा हमारा। कनेक्ट्स टू ऑन प्रमाइस नेटवर्क यूजिंग क्लाउड वीपीएन टनल, ये कहते हैं अगर आपने इसी वीपीसी को ऑन प्रमाइसिस के साथ कनेक्ट करना है। ऑन प्रमाइसिस से मतलब क्या है? एक तो मेरा क्लाउड हो गया, एक तो मैं क्लाउड पे हूं अभी, ये मेरा जीसीपी का अकाउंट बना हुआ है, मैं इसमें एक मैंने एक वर्चुअल मशीन बना रखी है, और एक मेरा खुद का ऑफिस है, कोई फिजिकल ऑफिस है, रियल टाइम में एक ऑफिस है, वहां पे एक फिजिकल सर्वर रखा है। अगर उनकी आपस में कम्युनिकेशन कराना है मुझे या कनेक्टिविटी करानी है, ये मेरा एक फिजिकल सर्वर रखा है और इसको मुझे कनेक्ट कराना है या कम्युनिकेट कराना है मेरे जीसीपी के वीएम के साथ, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये कह रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक क्लाउड वीपीएन टनल बनानी पड़ेगी, उसके थ्रू वहां पर भी प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, ये कह रहे हैं। उसके लिए वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहां पर भी प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, आप कह रहे होंगे सर अब तक तो आप ये कह रहे थे कि जीसीपी के अंदर ही प्राइवेट आईपी हो सकती है, अब आप कह रहे हो ऑन प्रमाइसिस के साथ ही प्राइवेट आईपी से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अब तो इंटरनेट पे जाना पड़ेगा ना। जाना पड़ेगा, बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे? हम यहां पर क्लाउड वीपीएन लगा देंगे। क्लाउड वीपीएन एक ऐसी चीज है जो रिक्वेस्ट को लेगा और उसे अपने थ्रू टनल बना के भेजेगा प्राइवेट आईपी के थ्रू, यानी आपको प्राइवेट आईपी ही दी जाएगी, आपको यहां पे इंटरनेट के थ्रू खाली वीपीएन के साथ कनेक्ट होना है, फिर आगे का डेटा ट्रांसफर वो फिजिकल सर्वर के साथ कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा आपकी हेडेक नहीं है, वो प्राइवेटली होती है, टनलिंग के थ्रू होती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है, वो टॉपिक आएगा। एंड क्लाउड इंटरकनेक्ट अटैचमेंट, ये भी ऑप्शन होता है। तो ये कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि क्लाउड को ऑन प्रमाइसिस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, वहां भी प्राइवेट आईपी के थ्रू बात कराई जा सकती है। ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक from Google Cloud external load balancer to backend, इसकी बात बाद में करेंगे, लोड बैलेंसर के थ्रू। एक्चुअली ये जो वीपीसी है ये कह रहे हैं कि इसका जो ट्रैफिक है वो लोड बैलेंसर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो वो हम जब लैब करेंगे तब समझाएंगे। वीपीसी ऑलवेज लाइज इनसाइड अ प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वीपीसी एक ग्लोबल सर्विस होती है, ये आपको समझ आ गया, और वीपीसी एक ही प्रोजेक्ट में रहता है, एक वीपीसी दो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता। आप जीसीपी में जो भी काम करते हो प्रोजेक्ट में करते हो, आपको मालूम है, तो एक वीपीसी दो प्रोजेक्ट के अंदर नहीं हो सकता, एक वीपीसी एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। दो प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना है, फिर वो शेयर्ड वीपीसी का कॉन्सेप्ट आएगा, वो अलग चीज है, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो एक वीपीसी एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है, सिंपल है, बस इतना याद रखो।
न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट विद अ डिफॉल्ट वीपीसी दैट हैज वन सबनेट इन ईच रीजन. ये कहते हैं बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, आप कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो अपने आप एक वीपीसी बन जाता है, अपने आप एक वीपीसी बन जाता है डिफॉल्ट के नाम से, और मल्टीपल सबनेट बन जाते हैं, हर रीजन में एक सबनेट भी बन जाता है. तो इसीलिए हमने अब तक जितनी भी लैब करी, जितनी भी वर्चुअल मशीन बनाई, हमें कभी वीपीसी नहीं बनाना पड़ा. क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने प्रोजेक्ट बनाया था वीपीसी अपने आप बन गया था, तो हमें नहीं बनाना पड़ा. पर अब हमें खुद बनाना सीखना है, उस पर खुद काम करना सीखना है, वो अब हमारी आगे की कहानी है. तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा. अब आगे के पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं. वीपीसी नेटवर्क की अब कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, वो भी मैंने यहां पर लिख दी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. VPC network including their associated routes and firewall rules are global resources. तो याद रखिएगा, global resources होते हैं, उनके firewall rule भी और उनके routes भी. They are not associated with any particular region or zone. तो ये किसी region या zone से जुड़े हुए नहीं होते, ये global resources होते हैं. ये आपको एक बार आपने बना दिया तो वो सभी के लिए है, अलग अलग region के अलग अलग आपको rule, firewall rule या ये सब बनाने की जरूरत नहीं है. सबनेट्स आर रीजनल रिसोर्स, ये इंपॉर्टेंट है. वीपीसी क्या होता है? ग्लोबल रिसोर्स होता है. सबनेट क्या होता है? रीजनल रिसोर्स होता है. ईच सबनेट इज एसोसिएटेड विद द रीजन. तो सबनेट किसी रीजन के अंदर बनाया जाता है, लेकिन ये सबनेट रीजन के अंदर होता है, यानी अवेलेबिलिटी जोन से कोई लेना देना नहीं है. उसके अंदर जो मल्टीपल जोन होते हैं वो इसके अंदर आते हैं. एक सबनेट जो होता है वो रीजनल होता है, तो जोन उसके अंदर ही आते हैं. तो अलग अलग जोन में अलग अलग सबनेट नहीं होता, एक सबनेट के अंदर सारे जोन कवर हो जाते हैं. You can create more than one subnet per region. ये भी important बात है. ऐसा नहीं है कि एक region में एक ही subnet बनाया जा सकता है, एक से ज्यादा भी बना सकते हो, दो subnet, तीन subnet, जितनी आपकी requirement है as per your scenario. तो अब आप कहेंगे सर ये subnet की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई आप ऐसा समझे कि आपने एक network बनाया है, एक आपकी technical गुफ्तगु की team है. अब वो, या चलो मैं इसका example नहीं लेता, मैं Google का example ले लेता हूँ कि Google के जो server है उसकी team अमरीका में भी बैठी है, उसका company के लोग इंडिया में भी है, इंडिया में भी उनका ऑफिस है, उनका ऑफिस यूके में भी है, अफ्रीका में भी है. तो वो क्या करेंगे, वहां पे अलग 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 नेटवर्क से अपने लोगों को जोड़ेंगे कि भाई तुम इंडिया में काम करते हो, तुम इस सबनेट का इस्तेमाल करो, ये इंडिया का सबनेट है, इस तुम्हारे को, तुम्हारे सर्वर्स को ये वाली आईपी मिलेगी. तुम अमेरिका में बैठे हो, तुम्हें ये वाली आईपी मिलेगी, इस सबनेट की आईपी मिलेगी जो अमेरिका का है. और आपस में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो आपस में सेग्रीगेशन करने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए आप मल्टीपल सबनेट्स का इस्तेमाल करते हैं. Each subnet is having unique network range inside a project. तो हर subnet का जो network range होगा वो अलग होगा, यानी कि वो अलग अलग range के network होने चाहिए. जैसे कि उनका जो CIDR value है उस हिसाब से अलग होना चाहिए. Inside and outside traffic can be controlled by firewall rule. Traffic अंदर आने वाला traffic, यहाँ पे technically Google के अंदर इसको ingress कहते हैं, अंदर आने वाले traffic को, और Google के network से बाहर जाने वाले traffic को egress कहते हैं. ठीक है, तो इनग्रेस एंड इग्रेस, तो मैंने यहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड लिखा है आसान भाषा में, पर अगर कहीं पे इनग्रेस और इग्रेस आपको एग्जाम में लिखा मिल जाए तो एक ही बात है, अंदर आने वाला ट्रैफिक और गूगल से बाहर जाने वाला ट्रैफिक. कैन बी कंट्रोल्ड बाई फायरवॉल रूल, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं फायरवॉल के रूल बना के. और ये कोई फिजिकल फायरवॉल नहीं है, ये अगेन एक वर्चुअल फायरवॉल है. आपको बस वहां पे रूल बनाने हैं कि ये पोर्ट अलाउ करना है, इससे ट्रैफिक आ सकता है, इससे नहीं आ सकता है, वो फायरवॉल होती है. तो वो हमें बनानी पड़ती है. हर एक वीपीसी नेटवर्क के साथ आपको एक फायरवॉल अटैच करनी मैंडेटरी है, तो वो बनानी ही पड़ेगी आपको. एक फायरवॉल, आपको फायरवॉल रूल क्रिएट करना ही पड़ेगा और उसके साथ लगाना पड़ेगा. रिसोर्सेज विद इन अ वीपीसी कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय यूजिंग IPv4 and IPv4 addresses, IPv6 addresses. ये important बात है, मैं आपको already बता चुका हूँ कि VPC के अंदर अगर server है, फिर वो भले ही अलग-अलग subnet के क्यों ना हो, आपस में बात कर सकते हैं, उन्हें कोई peering की ज़रूरत नहीं है. तो ये एक important बात है जो हमने discuss कर ली. An organization can use shared VPC to keep a VPC network in a common host project. तो ये भी एक important चीज़ है कि अगर shared VPC का concept, इसको मैं अलग से discuss करूँगा, अलग से video बनाऊँगा इस पे, तब आपको बताऊँगा ये क्या होता है. ये एक अच्छा और interesting concept है जो गूगल लेकर आया, तो इसकी बाद में बात करेंगे. VPC network can be connected to other VPC network in different project or organization by using VPC network peering. ये बहुत important बात है. VPC network को दूसरे network के साथ connect किया जा सकता है. वो दूसरे project का भी हो सकता है, दूसरी organization का, Google का network हो सकता है, Google का ही होगा. GCP पे अगर suppose करें दूसरी company काम कर रही है, वो तो दूसरी company organization का account है, उनका VPC है, तो उनके VPC में और आपके VPC में भी peering हो सकती है. कोई
प्रॉब्लम नहीं है। तो एक जैसे कि मैं भी गूगल क्लाउड पे अपना नेटवर्क बना के बैठा हूँ, एक दूसरी कंपनी है उनका भी गूगल क्लाउड पे ही वो सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी अपना नेटवर्क है, तो उनका वीपीसी नेटवर्क और मेरा वीपीसी नेटवर्क आपस में पीयर कर सकता है और उसके बाद हम दोनों प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इस्तेमाल तो दोनों गूगल ही कर रहे हैं ना, गूगल क्लाउड ही कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है। तो वीपीसी अदर वीपीसी नेटवर्क के साथ भी अदर प्रोजेक्ट के अंदर अगर वो है, दो अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर वीपीसी है तो भी पॉसिबल है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रोजेक्ट के, दो अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनमें दो अलग प्रोजेक्ट है उनके वीपीसी अगर आपस में पीयरिंग करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो उसके लिए आपको पीयरिंग करनी पड़ेगी, वो फिर प्राइवेट। और पीयरिंग का मतलब क्या है, पीयरिंग से क्या फायदा होगा, सिंपल फायदा यही है, प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद रखिएगा। वीपीसी नेटवर्क डू नॉट सपोर्ट ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट एड्रेसेस, ये किसी भी क्लाउड में नहीं होता, किसी भी क्लाउड के वीपीसी के अंदर या वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस सपोर्ट नहीं किए जाते हैं, तो वो यहां पर भी सपोर्ट नहीं होते हैं। मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट क्या होता है ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, ब्रॉडकास्ट का मतलब है उस नेटवर्क में जुड़े हुए सभी लोगों को कोई मैसेज फॉरवर्ड करना है, मल्टीकास्ट का मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप को मैसेज फॉरवर्ड करना है, तो वो सारी चीजें यहां पर इस तरीके से कवर नहीं की जाती। ऑटो मोड वीपीसी, जो कि मैंने बताया वीपीसी बनाने के दो तरीके हैं, ऑटो मोड और कस्टम मोड, तो ये कहते हैं ऑटो मोड वीपीसी नेटवर्क क्रिएट सबनेट इन ईच रीजन ऑटोमेटिकली, अगर ऑटो मोड के थ्रू बनाओगे तो एक हर रीजन में अपने आप एक सबनेट बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप ऑटो मोड के थ्रू बनाते हो तो प्रॉब्लम क्या आएगी, यू कैन नॉट कनेक्ट डायरेक्टली ऑटो मोड वीपीसी नेटवर्क टू वन अनदर बिकॉज दे यूजेस सेम रेंज, और रेंज क्या होती है, ये होती है 10.128.0.0/9। तो प्रॉब्लम ये है कि हर ऑटो मोड का नेटवर्क इसी में बनता है, तो दोनों जब वीपीसी सेम नेटवर्क में है आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दोनों का अलग नेटवर्क होना जरूरी है, क्योंकि बैक एंड पे राउटर ही तो फॉरवर्ड करेगा इधर से उधर रिक्वेस्ट को, और दोनों तरफ सेम नेटवर्क है तो राउटर कंफ्यूज हो जाएगा कहां भेजना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऑटो मोड के थ्रू आप पीयरिंग नहीं कर सकते, ऑटो मोड अगर आपने ऑटो मोड के थ्रू दो वीपीसी बनाए हैं तो उनके जो रेंजेस है वो क्लैश करेंगी, कॉन्फ्लिक्ट करेंगी, मैं लैब में दिखा दूंगा आपको, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आई होप वीपीसी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई मसले वाली बात यहाँ पर नहीं होगी, और फिर भी जो छोटे मोटे डाउट हैं तो अगले 3-4 लेक्चर इसी पर आने वाले हैं, लैब में भी डिस्कस करूंगा, बार बार डिस्कस करूंगा, बोर्ड पे भी समझाऊंगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। आज जस्ट एक बुनियाद बनाने की कोशिश करी है, जब बुनियाद बनाने की कोशिश की जाती है तो चीजें थोड़ी मुश्किल लगती हैं, ऐसा लगता है कि यार ये डाउट रह गया, सर ने शायद ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया, सब कुछ डिस्कस करूंगा, नो नीड टू वरी, आने वाले लेक्चर्स में सारी बातें कवर हो जाएंगी, बस आप सीक्वेंस में देखते रहिएगा। लेक्चर नंबर 25 से ये पहला स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसके बाद इसी की कंटिन्यूटी में मैं वीपीसी पे टॉपिक लेकर आऊंगा, इसकी लैब लेकर आऊंगा, और वो करने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको, आप सिर्फ पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप औरों को पढ़ा सकते हैं कि गूगल क्लाउड में वीपीसी किसे कहते हैं, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो जब तक भूपेंद्र राजपूत जिंदा, टेंशन ना लिया करें आप, आपके लिए सब कुछ लेकर आऊंगा। तो चले बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं, और ये एक गजल है जो मैंने फेसबुक पे पोस्ट की है, मैंने कुछ सालों पहले की थी, आज रीशेयर की है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पत्थरों को भी तरोताजा गजल देते हैं, हम जहां जाते हैं माहौल बदल देते हैं, बादशाहों ने गरीबों को कभी कुछ ना दिया, अपनी मुमताज को वो ताजमहल देते हैं, साफ पानी में कोई फूल नहीं खिलता है, जिनमें कीचड़ हो वो तालाब कवल देते हैं, मूंद लेता हूं मैं आंखों को तेरे सजदे में, ये उजाले भी इबादत में खलल देते हैं, दिन में तो सबसे मिला करते हैं पर शाम के बाद हम ख्यालों के बयाबा में चल देते हैं। तो ये एक गजल थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं इसके साथ ही दोस्तों एज यूजुअल जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वक्त लगता है मुझे वीडियोस लाने में, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दे सकूं, कहीं पर भी किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाके पैसे खर्च करने की जरूरत आपको ना पड़े। मैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूं, लिंक्स आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, हमें डोनेट भी कर सकते हैं, उसकी भी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बस यही कहूँगा, खुश रहें, खुश रखें लोगों को, ख्याल रखें अपना, और दुआओं में याद रखिए।